नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि थाईलैंड वीज़ा फ्री एंट्री देने जा रहा है 10 नवंबर से 10 मई तक 2024 तक, 6 महीने की इसकी वैलिडिटी, हो सकता है वो आगे भी उसको एक बार फिर बढ़ा दें। और ऐसी ही एक कंट्री और है जो कि वीज़ा फ्री इंडियंस को अपने एंट्री देने जा रही है, और वो कंट्री है श्रीलंका। जी हाँ, और इसकी जो वैलिडिटी है वो रहेगी 31 मार्च। श्रीलंका भी अब उस लिस्ट में ऐड हो गया है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है श्रीलंका जाने के लिए, बस पासपोर्ट लेके जाइए, अपनी होटल्स बुकिंग अगर वो पूछते हैं तो दिखाइए, अगर वो आपसे फंड्स पूछते हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं वो आप दिखाइए, ये तीन चीज़ें आपको अपने पास रखनी है और आप श्रीलंका में एंटर हो जाएंगे। अगर आप श्रीलंका से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो मेरी एक पूरी सीरीज़ है जब मैं श्रीलंका घूमने गया था कि कहाँ से एयरपोर्ट के बाहर निकल के, कोलंबो और कैंडी बहुत दूर है वहाँ से, तो कहाँ से आपको बस मिलेगी, कहाँ से टैक्सी मिलेगी, कैसे आपको कोलंबो जाना है, कैसे कैंडी जाना है, तो वो पूरी आपको जानकारी क्या क्या जगह हैं घूमने की तो मेरी 5-6 वीडियो में आपको मिल जाएंगी। पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरी, ऐसे ही एक थाईलैंड की प्लेलिस्ट है और उसमें भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आपको जब एक टूरिस्ट घूमने के लिए जाता है तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती हैं, वो मेरे को लगता है आपको सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ से मिल जाएंगी। और दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पड़ोसी देश हमारे को वीज़ा फ्री एंट्री देना शुरू कर दिया है, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं पहले से ही, और टोटल मिला के 57 कंट्रीज़ थी, अब तो 60 के आसपास हो जाएंगी जो कि वीज़ा फ्री और ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं या ई वीज़ा देती हैं। और मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में, अब 2024 में, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ और भी ऐड हो जाएंगी। उसका रीज़न यह है दोस्तों कि आपको पता है कि हम इंडियंस का पासपोर्ट जो है तो उसका जो वर्ल्ड में एक रैंक होता है वो दिन पे दिन अपग्रेड होता जा रहा है हर साल, तो वो बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि सुनने को मिलती है हर साल। वो ही एक रीज़न है कि अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं और वो वीज़ा फ्री एंट्री दे रही हैं हम इंडियंस के लिए, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और बस आप, मैंने कोई श्रीलंका के बारे में आपको बताना था, थाईलैंड के लिए मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हैं तो अपना बैग तैयार कर लीजिए और निकल जाइए श्रीलंका। बट याद रखिएगा कि ये 31 मार्च तक है और थाईलैंड 10 मई तक है, उसके बाद की आप कोई टिकट्स मत कराइएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।